दोस्तों बस और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हाथ जोड़ के जो है ना इस सिफारशी टीम को मैं यही कहना चाहता हूं और इस सिफारशी बोर्ड को यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने T20 वर्ल्ड कप खेल लिया, जीत लिया, हमने देख लिया और हमें नाक नहीं कटवानी भाई। एशिया कप से लेकर ये टीम हमें जलील करती हुई आ रही है, अभी तक हम जलील हो रहे हैं। अब ये देखना पड़ गया था कि एक स्कूल की 11 घर में घुसकर पाकिस्तान को डंडा दे देगी, ये हमने सोचा नहीं था भाई साहब। अब डर लगने लगा है ये, हाँ इसको तो छोड़ो, इसमें फिर भी हम ये कहके टाल देंगे कि मार्क चैंपियन जो है ना बड़ा प्लेयर है, T20 वर्ल्ड कप और 2023 का वर्ल्ड कप खेल चुका है, हम ये कहके बात टाल देंगे। माइकल ब्रेसवेल बड़ा प्लेयर है इसमें, जिमी निशम T20 वर्ल्ड कप और 2 वनडे वर्ल्ड कप और 3 T20 वर्ल्ड कप खेलने वाला प्लेयर है, ये कहकर हम बात टाल देंगे। लेकिन 2024 में जो है ना भाई साहब युगेंडा की टीम है, जो है ना उसकी अमेरिका की टीम है, नेदरलैंड आयरलैंड छोटी टीम है सारी, उसमें पाकिस्तान के ग्रुप में इंडिया को हटाकर अगर उनमें से किसी टीम ने रोंड दिया ना, फिर हमारे पास कोई और बहाना नहीं है बनाने का, हम फिर इसको नहीं डिफेंड कर सकेंगे क्योंकि डिफेंड कर करके थक गए हैं। अपना डिफेंड करना आता है ना, अब हमें बोलना आता है। 2022 में सदमा दिया था जिम्बाब्वे वाला, 2023 में दिया था अफगानिस्तान वाला, अब ये देखना पड़ गया हाँ कि एक थकेली टीम ने घर में घुसकर जो है ना पाकिस्तान को चमाटे मार दी। अब 2024 के T20 वर्ल्ड कप का हमें डर लगता है, हम उस T20 वर्ल्ड कप को याद करके अपने आप को खुश कर लेंगे। वो जो यूनस खान की कप्तानी में शाहिद आफरीदी ने जितवाया था ना, बस पाकिस्तान टीम की आप मेहरबानी, आप लोग हराम की तनख्वाह उठा रहे हो 15-15 लाख, आपके लिए वो काफ़ी है। हाँ पाकिस्तान की आवाम की आप लोगों को कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। तो बराए मेहरबानी 2024 का T20 वर्ल्ड कप हमने खेल भी लिया, आपने खेल लिया, हमने देख लिया, हमने जीत लिया, बस दोस्तों बस और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हाथ जोड़ के जो है ना इस सिफारशी टीम को मैं यही कहना चाहता हूं और इस सिफारशी बोर्ड को यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने T20 वर्ल्ड कप खेल लिया, जीत लिया, हमने देख लिया और हमें नाक नहीं कटवानी भाई।